हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स होने जा रहा है। बीएससी नर्सिंग करना क्यों फायदेमंद है, ये कोर्स कैसे होता है, ये कोर्स क्यों करना चाहिए, रेगुलर पोस्ट बीएससी नर्सिंग की बजाय इग्नू से करना क्यों सही है, इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने हेतु प्रोग्राम स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ पे है, इसकी कितनी फीस है, सेतु फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में डिटेल से बात की जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, इग्नू से पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने हेतु ये एडवर्टाइजमेंट मेरे पास है, तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में। फ्रेंड्स, इस कोर्स हेतु ऑल इंडिया के सभी जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल है। उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस वाले जीएनएम स्टूडेंट ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको 20 मार्च 2021 तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं ये बाद में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस कोर्स हेतु 11 अप्रैल 2021 संडे को एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित होगा। इसके बाद में रीजनल वाइज कट ऑफ मेरिट बनेगी। ध्यान देने की बात है कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट ऑल ओवर इंडिया नहीं बनेगी। जिस रीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया उस रीजन की अलग से कट ऑफ बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने राजस्थान से अप्लाई किया तो राजस्थान की अलग कट ऑफ बनेगी, यूपी से फॉर्म अप्लाई किया तो यूपी की अलग कट ऑफ। इसलिए आपको ध्यान देने की बात है कि अगर आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग जयपुर से करनी है तो राजस्थान इग्नू रीजनल सेंटर से अप्लाई करें, यूपी से करनी है तो लखनऊ रीजनल सेंटर से फॉर्म अप्लाई करें। जबकि एंट्रेंस एग्ज़ाम हेतु आप नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हो, आपके घर के नज़दीक जो भी एग्ज़ाम सेंटर, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय चूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये कोर्स 3 साल का कोर्स होता है। मैक्सिमम 5 साल में इस कोर्स को कंप्लीट करना होता है और ये कोर्स प्योरली इंग्लिश मीडियम में होता है। फ्रेंड्स, इस कोर्स हेतु अलग अलग स्टडी सेंटर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। कोई साल में 2 बार बुलाते हैं तो कोई साल में 3 बार बुलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इस कोर्स हेतु 11 अप्रैल 2021 को एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये टेस्ट ऑफलाइन ही होगा। फ्रेंड्स, इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करने हेतु फीस की बात करें तो प्रत्येक साल 20,000 रुपये फीस लगेगी, यानी 3 साल की फीस 60,000 रुपये है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप एससी एसटी या टीएसपी कैंडिडेट है और कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ही फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। फ्रेंड्स, इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने हेतु टोटल ऑल इंडिया में 620 सीट है, जो कि 22 प्रोग्राम स्टडी सेंटर करवाते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास प्रोस्पेक्टस है, इसके 27 नंबर पेज में देख पा रहे हैं कि टोटल 22 प्रोग्राम स्टडी सेंटर है। प्रत्येक स्टडी सेंटर पे लगभग 30 सीट हैं, किसी पे 30 है, किसी पे 15 सीट भी है, किसी पे 25 सीट भी है। और आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से राज्य में प्रोग्राम स्टडी सेंटर कहाँ पे है। आप अच्छी तरह देख के ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि सीट काफ़ी कम है, जहाँ कट ऑफ कम जाती है वहीं से फॉर्म अप्लाई करें ताकि जल्दी आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि इस कंपटीशन को भी हल्के में नहीं लें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने वालों की होड़ ज़्यादा लगी हुई है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। गूगल में इग्नू टाइप करेंगे तो इग्नू का होम पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। इसमें आप नीचे की तरफ जाओगे तो सबसे नीचे आप रेड में देख पा रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड ओपन नेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर जनवरी 2021, तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसको आप क्लिक करेंगे
तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वैकेंट फॉर्म आ जाएगा। इसको आपको फिल करने हैं और आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेने हैं। आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के 5 वो कौन से फ़ायदे हैं। नंबर 1, फ्रेंड्स अगर आप जीएनएम है, बेरोज़गार है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इस कोर्स के साथ साथ आप अपनी कंटिन्यू तैयारी कर सकते हो, कंटिन्यू नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और कहीं आपका नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाता है तो भी इस कोर्स को आप कंटिन्यू रख सकते हो। इस कोर्स को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ये कोर्स आप कंटिन्यू रख सकते हो। जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होता है, ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आप इंटीमेट कर सकते हो कि मैं इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, तो आपका ये वैलिड हो जाएगा। जबकि आप रेगुलर पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं और कोर्स के दौरान आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बीच में ही छोड़ना पड़, क्योंकि वो डिस्टेंस कोर्स नहीं है, रेगुलर कोर्स है, इसलिए आप नौकरी व रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये कोर्स उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जीएनएम है और नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस कोर्स है, इसमें आप नौकरी भी कर सकते हैं और ये कोर्स भी कर सकते हैं, अलग से नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, फ्रेंड्स अगर आप जीएनएम है और सीएचओ में लगे हुए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का है परंतु एक्सपीरियंस 50 बेड से कम का है, तो आपको इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इग्नू में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है परंतु 50 बेड कंपलसरी नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं का भी होना चाहिए। इस कंडीशन में आप इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे भी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास अभी 2 साल का एक्सपीरियंस तो है परंतु आपका एक्सपीरियंस 50 बेड से कम बेडेड के हॉस्पिटल का है तो आपका एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में नहीं चलेगा। और आपने सीएचओ की नौकरी ज्वाइन कर ली है तो सीएचओ की नौकरी चाहे 2 साल कर ले, 3 साल कर ले, 5 साल कर ले, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है और सीएचओ का एक्सपीरियंस नर्सिंग ऑफिसर में नहीं चलने वाला है। फ्रेंड्स, इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा, फ्रेंड्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो, आपने जीएनएम डिप्लोमा के साथ नौकरी ज्वाइन की है और बाद में एनओसी लेकर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट द्वारा 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी फीस भी कम है। जीएनएम बेरोज़गार स्टूडेंट अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कहीं प्राइवेट में या कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहा है तो वो ये कोर्स करके डिग्री भी हासिल कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी वैकेंसी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाता है। फ्रेंड्स, इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का 5वां सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इग्नू से भी उतना ही टाइम लग रहा है जितना कि रेगुलर कोर्स करने में लगता है, क्योंकि इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का टाइम शेड्यूल फिक्स है। इग्नू ने क्लियर कर रखा है कि 3 साल में ये कोर्स करवा दिया जाएगा, जबकि किसी भी स्टेट से पोस्ट बीएससी नर्सिंग रेगुलर करते हैं तो कहने को तो 2 साल का होता है परंतु 3 साल आराम से लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियर कर दूँ कि सभी जीएनएम स्टूडेंट्स को ये कोर्स करना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे एनएचएम के तहत स्टाफ नर्स लगे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे सीएचओ लगे हुए हैं और आप जीएनएम हैं तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट में कर्मचारी हैं तो आप ये कोर्स करने हेतु अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ज़रूर ले लें, तभी आपकी ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद डिग्री सर्विस बुक में ऐड की जाएगी। अगर आपने एनओसी नहीं ली तो आपकी डिग्री सर्विस बुक में ऐड नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप कर्मचारी हैं और इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो एनओसी की एप्लीकेशन अभी से अप्लाई कर दें।
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का एडवर्टाइजमेंट व प्रोस्पेक्टस नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रद वीडियो बनाते रहे, आप तक भेजते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।